जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। लगातार हमारे दर्शकों ने हमसे ये आग्रह किया कि हम व्यापारिक समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सरल उपाय जरूर बताएं। इस उपाय को नौकरी पेशा लोग भी जरूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यापार का मतलब सिर्फ बिजनेसमैन इस उपाय से फायदा ले सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके रोजी रोजगार में वृद्धि होती है। चाहे आप अपना व्यापार करते हो या आप किसी नौकरी में हो, तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। और बहुत सरल, बहुत चमत्कारी उपाय है ये। जीवन में अनुभव किया हुआ उपाय है। जिस भी व्यक्ति ने इस उपाय को किया है, कभी वह निराश नहीं हुआ। आपको करना यह है कि जिस व्यक्ति का रोजी रोजगार, व्यापार बहुत अच्छा ना चलता हो, नौकरी में आपका भाग्य आपका साथ ना देता हो, तो आपको चांदी का एक छोटा सा कम से कम 4 ग्राम का चांदी का एक बॉल बना करके, एक गोला बना करके अपने साथ अपनी पॉकेट में हमेशा रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बॉल को अपने साथ रखते हैं और अनुभव करते हैं कि जिस दिन से उन्होंने इसको अपने साथ रखना आरंभ किया, ये जो है आने वाले अगले 45 दिन के अंदर अपना चमत्कार दिखाने लगता है। आपका भाग्य उतना ही मजबूत हो जाता है और आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो या आप कोई व्यापारी वर्ग से जुड़े हो, आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि ये जो आप चांदी की बॉल बनवाएंगे, ये खोखली नहीं हो, ये ठोस होनी चाहिए। अगर खोखली होगी तो इससे आपको जो फायदा मिलना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा फायदा नहीं मिल पाएगा। आपको करना यह है कि इस जब भी आप ये बॉल बनवा लेते हैं, इसको चांदी के इस गोले को अपने पास रखने के लिए आप या तो सोमवार का दिन चयन करें, सोमवार का दिन सबसे उपयुक्त माना गया है, या फिर शुक्रवार के तिथि में आपको इसको अपने साथ रखना चाहिए। इसके बाद घर की नौकरानी को यदा कदा, यानी आए दिन आप जब भी कोई अच्छी तिथि पड़ती है या जब भी आपकी इच्छा हो, सप्ताह में एक बार या 15 दिन में, महीने में एक बार मिष्ठान, कपड़े, चावल, खासतौर पर दूध दही चावल का अगर आप दान करते हैं या सफ़ेद वस्त्र का दान करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अपना व्यवहार जो है, आप बर्ताव जो है वो बहुत अच्छा रखिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आपकी जो भी व्यापारिक तौर पर समस्याएं चल रही हैं, आपके व्यापार में बरकत नहीं हो रही, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, लगातार आप मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी आपके दुकान की सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही हैं, तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। इसको करने से, इस चांदी की बॉल को, कम से कम 4 ग्राम की चांदी की बॉल को अपने पास रखने से आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। अमावस्या की तिथि में मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को अगर आप चावल और दूध से बनी हुई खीर बांटते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा फायदा करता है। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय हैं, छोटे से ऐसे टोटके हैं, जिनको करके आप अपने व्यापार में गतिशीलता ला सकते हैं, उसमें और आप निरंतर लाभ की ओर बढ़ सकते हैं। और ये उपाय नौकरी पेशा व्यक्ति भी पूरे अधिकार के साथ कर सकता है, इसमें राशि का कोई बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करके उसका फायदा ले सकता है। और अब एक कॉलर लखनऊ से हमारे साथ तरु जुड़ गई है। तरु, अपना सवाल पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1987 जी, और कानपुर का जन्म है 5:30 बजे शाम का जी। मुझे शादी के लिए पूछना है कब तक होगी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में राहु का ही अंतर चल रहा है, और आपने जहाँ तक विवाह की बात कही है, तो 11 दिसंबर 2014 के बाद से राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा आरंभ होगी, और ये अंतरदशा जो है 6 मई 2017 तक रहेगी।
तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले 11 दिसंबर के बाद से, दो दिन के बाद से आपके लिए विवाह का एक अच्छा योग शुरू होगा जो 2017 तक चलेगा। इस समय का आपको लाभ लेना चाहिए। एक पुखराज आप धारण कर सकें तो जरूर करें और इस काल में भगवान विष्णु की आराधना पूजा अवश्य आप अवश्य करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। एक कॉलर अब सीतापुर से निधि जुड़ गई है। निधि, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी। नमस्कार, बताइए। मैं अपने शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। जी आप थोड़ा सा जोर से बोलिए। जी हाँ, अपने शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बताइए। हमारी देखा बोलता है 22 जुलाई 1985 रात में 2:25 मिनट पर। जी समय फिर से बताइए। तो रात्रि 2:25 मिनट पर, रात्रि में 2:25 मिनट पर। जी बिल्कुल। देखिए आपकी जन्म पत्रिका में विवाह का ये समय चल रहा है, राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा है। इस समय में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना, गुरुवार का व्रत करना, केले के वृक्ष की पूजा करने से आपको अच्छे योग्य वर की और घर की प्राप्ति हो सकती है। दर्शकों, हम यहाँ पर आपसे एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें प्लीज अपने टीवी के वॉल्यूम को बिल्कुल म्यूट रखिए ताकि हम सही तरीके से आपको सुन सकें, क्योंकि अगर ऐसी आवाज आती रहेगी तो हम आपका फोन काट देंगे। और अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनू जुड़ गई हैं। सोनू, कहाँ से बोल रही हैं आप, अपना सवाल पूछिए। सोनू अपना सवाल पूछिए। मैं धौलपुर से बोल रही हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। जी मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए। मेरे जी बताइए, सुन रहा हूँ आपको। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1980। जी सर, मेरे को शरीर कष्ट बहुत रहता है, बीमारियाँ ये परेशान करती रहती हैं। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का स्थान और समय भी बताइए। सर मेरा जन्म का स्थान ग्वालियर है, रात में 12 बजे के करीब। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतरदशा है और चंद्रमा के स्थान में द्वितीय भाव में राहु की स्थिति, और हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि दूसरा भाव, सप्तम भाव, ये कुछ ऐसे स्थान हैं, विशेष स्थान हैं 6, 8, 12 के साथ जो मारक प्रभाव देते हैं, शारीरिक रोग व्याधि देते हैं, खासतौर पर तब जब उनके स्वामी की महादशा अंतरदशा चल रही हो। चंद्रमा द्वितीयेश होकर के तृतीय स्थान में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव पर सोमवार की तिथि में कच्चा दूध चढ़ाइए, महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें, फायदा मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।